good morning dear modern stars how are you i am fine i hope you will be also fine pay attention here your english teacher shweta tiwari so student take your english reader book and open chapter 14 name is adi's new world okay friends so today you will solve exercise of this chapter so exercise number one okay friends so you will open पेज नंबर वन जीरो वन टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ओके सो फर्स्ट आदि एंजॉयड ओके यानी कि आदि क्या इन्जॉय करता था तो आप क्या करेंगे यू हैव थ्री ऑप्शन टू गिव राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का इस जो सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपके पास थ्री ऑप्शन है तो उसमें से आप क्या करेंगे जो राइट right ऑप्शन है वहां पर उसको आप क्या कर देंगे टिक करेंगे ठीक है लिखा ना टिक द करेक्ट आंसर ओके जो करेक्ट करेक्ट आंसर है उस पर आप क्या कर देंगे टिक तो आदि एंजॉयड यानी कि आदि क्या करता था प्लेइंग ओके प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स ओके यानी कि वो कंप्यूटर गेम को एंजॉय करता था ओके okay? तो फर्स्ट का आपका थर्ड रहेगा थर्ड में प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स नेक्स्ट है आपका नंबर टू द कवर ऑफ द बुक हैड अ पिक्चर ऑफ़ यानी कि जो बुक वो की जो कवर थी उस पर किस चीज़ की पिक्चर थी जो कि उसकी सिस्टर पारो जिसको रीड कर रही थी तो उस बुक के बारे में पूछा गया है द कवर ऑफ़ द बुक हैड अ पिक्चर ऑफ किसकी वो पिक थी सो नाउ यहाँ पर भी अब थ्री ऑप्शन दिए गए हैं तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन तो so, आप क्या करेंगे नंबर टू नंबर वन पर टू के नंबर वन पर टिक कर देंगे ओके अ लार्ज शिप एंड अ मैन विद अ पैरट ऑन हिज शोल्डर ओके यानि कि उसके शोल्डर पर एक पैरट होता है एक मैन होता है और एक बड़ा सा लार्ज शिप होता है ओके नेक्स्ट नंबर थर्ड पारो वॉज रीडिंग अ बुक अबाउट ओके पारो एक जो सिस्टर है आदि की वो एक बुक पढ़ रही है पढ़ रही थी ओके okay? और वो बुक किसके बारे में थी वो बुक थी पायरेट्स एंड ट्रेजर्स ओके okay? पायरेट्स के वाले समुद्री लुटेरे होते हैं उनकी लूट के बारे में और ट्रेजर्स के बारे में जो है वो स्टोरी थी जिसको वो पढ़ रही थी ओके okay? नेक्स्ट नंबर फोर ओके नेक्स्ट नंबर फोर द पावर कम द पावर केम बैक ओके नॉट कम ओके द पावर केम बैक टू ऑर्स लेटर यानी कि लाइट जो है पावर जो है करंट वो जो है वो टू ऑर्स के बाद आता है दो घंटे के बाद आता है बट आदि कैप्ट ऑन लेकिन आदि कंटिन्यू क्या कर रहा है कैप्टॉन यानी कि लगातार उसको कर 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 रहा है जो है वो क्या है क्या कर रहा है वो रीडिंग ओके okay? क्या कर रहा है रीडिंग यानी कि पढ़ रहा है उसको बुक में इतना इंटरेस्ट आने लगा पहले उसको क्या था स्टोरी में क्या था कि उसको रीडिंग जो है ना बहुत बोरिंग लगता था उसको पसंद नहीं था तो वो मोस्टली क्या करता था कंप्यूटर पर गेम देखता था स्टोरी में था ना आदिज न्यू वर्ल्ड में तो मोस्टली कंप्यूटर पर गेम देखता था उसको स्टोरी पढ़ना बुक पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद था लेकिन जैसे उसकी जो सिस्टर थी बारो एक बुक को रीड कर रही थी उस बुक उस बुक को देखता है तो उसके इट मीन्स उसको जानने की इच्छा होती है पिक्चर को देख कि इस स्टोरी में क्या है तो अब वो क्या कर रहा है कॉन्टिन्यू रीडिंग कर रहा है नंबर फाइव सिंस देन बुक्स बिकेम आदिज और इसके बाद जो है उसके बाद फिर क्या हुआ बुक्स क्या बन गई आदि की आदि की क्या बन गई वेस्ट फ्रेंड्स ओके तो आप किस पे क्लिक कर टिक कर दोगे वेस्ट फ्रेंड्स यानी कि सबसे अच्छी दोस्त बन गई ओके तो टेक्निकल टेक्निकली नॉलेज भी ज़रूरी है आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं या कभी यूज़ करते हैं बट बुक्स बुक्स से अच्छी दोस्त कोई नहीं है तो ये uh, आप अभी छोटे हैं बड़े भी होंगे तो रीडिंग uh, जो है रीडिंग uh, की हैबिट हमेशा बनाए रखनी चाहिए हमेशा बुक्स को पढ़ना uh, अच्छी बात है इससे आपको कुछ ना कुछ जो है इंफॉर्मेशन uh, नॉलेज आप गेन करेंगे ओके स्टूडेंट सो इट्स इनफ फॉर टुडे next day it means tomorrow you will write question and answer of this chapter okay so have a nice day